सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं, अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह, मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। अब 19 हो गए, 19 हो गए, बाप रे क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे, एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे, मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे, हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था, बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें, तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी, तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका ये बहुत ही बढ़िया है, काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते, हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर आपका अगर लेक्चर देखे और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है, बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है जो बताया अभी कपिल जी ने, कहानी। मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस, एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, तो मेरे ऊपर पूरा देश नेशन, एस एस आई नेशन, तो ए एस एस ए एस एस आई। मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें, वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया, याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो, जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे एक हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको? वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें दो दो महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे था ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, या हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। हाँ। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है, उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहां पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है, ये पीट नहीं सकते ना YouTube चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते, हमें तो पीटा ही इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर, मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो उसके साथ। आजकल माहौल बहुत बदल गया, अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे टाइम बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं हमसे भी लड़के नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है, क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान सर आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो
तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा कर सकते आप। अच्छा विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। परमेश्वर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे तो इसलिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम। को मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझ। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आप। सर आप आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको? अभी तो इधर कुछ नहीं ऐसा। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते। अच्छा से हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ, कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले, दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते उसी को तो मंद श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल, उसको प्रोसेस करें, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है ए खाड़ो तो ए हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। आई वांटेड टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से सुन लेंगी, उसके बाद खुद का चैनल शुरू करेंगे। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते, जो वर्कर होते हैं ना उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो ज्यादा ऑन कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, हवाई जहाज पर भी बनाइए, आप कहती है तो उस पर ही बनाई देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर आप बच्चा आपका 4-5 साल का है आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि इस ये तो इंजीनियर बनेगा, हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी, ये कहां तक सही है सर? जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। ओके, अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनी है कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी किया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो पैशन है, उसमें उनको एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी, बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने, कल बारगांव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे ही खाते रहेंगे, पर ये फेल ही होते रहेंगे। ओके, अच्छा विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? बेसिकली 95% देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है,
और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पे फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने, पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है, और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं। और पैटर्न इतने मजबूत हैं, तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी है। आप जानते हैं गाय